राम राम, जय हिंद सारे भैया ने। लो भी दोस्तों, आज हम आए थे तो मखाले भाई ने आज पिछली 5 दिसंबर ना हमने इसमें कैचवे घेरे थे, आज मेरे ख्याल तो 15 जनवरी होगी। हाँ जी। तो मखा 1 महीना 10 दिन हो गए, बीच में जो हमने देखा था रिजल्ट जो भी था आप लोगों का तो शेयर कराए थे, दिखाए भी था, तो आज नहीं है मखाले भी। बीच में बारिश भी 4-5 दिन अच्छी पड़ी थी, तो मखा भाई हमने उगाड़ के देखे नहीं कि मखा भाई देखा आज के हिसाब किताब है कितना के काम चल रहा है। तो दोस्तों आओ भाई, रोहित भैया ने भी दिखाओगे हम हिसाब किताब के चल रहे हमारा। ओहो हो हो हो, जय हो बोले। ये देखो दोस्तों, दिखा भाई, अंडे ही अंडे हैं रोहित। हाँ जी। ओहो, अंडे ही अंडे हैं तो बहन जो अंडे रोहित, अंडे खाद की लेयर भी 5-1 इंच नीचे पहुंच गई है। 5-1 इंच तो नहीं है पर हाँ 2-3 इंच तो पहुंच गई। हाँ। 2 इंच की तो लेयर बना ली इन्होंने, ये देखो, लेकिन कई जगह से कम है। अंडे देखना, अंडे कितने हैं। अभी रुक दिखा, अगला बेड भी देखेंगे एक मिनट। जय हो तेरी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये बारिशा में इनने खाद कम बनाया है और अंडे गणे अंडे गए। हमने तो देख के रिजल्ट का यो है भाई अंदाजा, पर चलो परमात्मा की दया तो यो भी बढ़िया है काम है। अगर बारिशा में इनने थोड़ा खाद का प्रोसेसर मेरे ख्याल से स्लो है यो पिछले उसके हिसाब से टाइमिंग के, मौसम भी तो सही है ना, तो बारिशा में इसका मतलब नए अंडे दिए हैं। हाँ। ये भी हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परमात्मा की कृपा है भाई साहब। ये भी बहुत जरूरी चीज है क्योंकि यो बीज है। आ भाई और देखेंगे, हाँ इसी में देख लो। तो भाई सब तसल्ली हो जाए थोड़ी, देख देख के मेहनत सफल हो रही है, बहुत बढ़िया सफल हो रही है। हाँ जी, रोहित दिखा। ओहो, इसमें भी अंडे, इसमें भी अंडे हैं, केचुए भी ऊपर ही हैं। अभी देखिए, ये देखिए अंडे ही अंडे हैं भाई। ये रहे, ये देख दिखा, ये रहे, ये देखो जी बाबू जी, ये देखो, ओ ये रे अंडे, ये सरसों दाल दिखते नहीं, हमारी नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी देखो ये ऊपर ही दिख रहे हैं, अंडे ऊपर ही रखे हैं इनके। जय हो, मतलब सही चल रहा है काम। हाँ जी। तो दोस्तों भगवान की दया था जो चीज़ हम लेके चल रहे थे हमने वो बिल्कुल 100 का 100 100 बढ़िया रिजल्ट 110% सही मिलने लग रहा है, और बस भगवान और थारी कृपा नहीं हुई तो बनी रहे भाई लोगों, आप लोगों का दुआ भी है क्योंकि बहुत भाइया की उम्मीद जुड़ रही है मेरे तय। अब देखो भाई इस भाई का के रिजल्ट लकड़ेगा, बहुत बहुत लोगों की भाई उम्मीद जुड़ गई मेरे तय थारे जैसे भाइया की, पर भाई साहब भगवान की दया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने लग रहा है। तो ये छोटी छोटी बात है, देखो ये रिजल्ट क्यों बढ़िया मिल रहा है, आपने खाद देखी हमारी एकदम ब्राउन कलर की है, काली नहीं है वह, तो ये समझ लो कि बहुत अच्छी वैल्यू की खाद बनने तैयार होने लग रही है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छा प्राइस मिलेगा मैंने। छोटी छोटी बात ये है, जो देखो पानी की ठहराव नहीं रहना चाहिए, पानी कदे भी मतलब परमानेंट बेड में खड़ा नहीं रहना चाहिए, उस तो सब तो बड़ी कैजुअलिटी। इस समय आदमी ने किया है कि देखो जो ये ऊपर ऊपर तो हम देख ही जहाँ, अब भाई लेयर बहुत बढ़िया है, खाद बनने लग रही है, मान लो हम यही अगले महीने एक लेयर तार लेंगे, फिर दूसरी तार लेंगे, इतने तीसरी लेयर का टाइम आओगा वो कैचवे नीचे जाएंगे, वो गोबर पानी में पड़े पड़ ना ऐसा गल जाएगा, कति काली गार की दाड़ा हो जाएगा, कति नहीं खराब हो जाएगा, तो वो कैचवे हमने के भी रही भी नीचे में पानी भरा है, गोबर खराब हो गया, वो कैचवा ने वो भोजन मिलना नहीं, वे खाएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे, मर जाएंगे। आप बस ये पराली तो ढक कर पानी मारी जाओगे, ये सब तो बड़ा माइनस पॉइंट है इस छोटी सी बात का, नज़रअंदाज कर दें हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, तो भाई साहब वो कामयाबी नहीं मिलने का कारण जो कई लोगों ने भाइयों ने मैसेज पे कही कि भाई साहब पिछले साल मेरे इतने बैड थे, मेरे इतने बैड थे, और हम कामयाब नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, तो भाई साहब ये चीज़ देखो काम गलत नहीं है, आपने के तरीका अपनाया के नहीं, मन तो नहीं भेरा भाई साहब, और जितना मेरे तो बूझ करोगे तो मैं आपने रोज़ दिखाऊँ भी हूँ बताऊँ भी हूँ, कोई कमी नहीं है, जो जिस हिसाब से जो सोचा था उस हिसाब से हमारी खाद भी तैयार होने लग रही है और कैंच भी मल्टीप्लाई होने लग रहे हैं। अच्छा भाई, राम राम, आगे भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और न्यू बने रहो भाई लोगों, आप लोगों का साथ है तो हम भी कुछ कामयाब हो जाएंगे। राम राम।